आप देख रहे हैं ब्लडी संडे जय शुक्ला के साथ, और आज की जो कहानियां हैं बेहद डरावनी होंगी, तो बने रहिए इस एपिसोड के साथ। डर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हमारी पहली कहानी है सुमित जानी की, और आगे की सारी कहानियां मैं जिन लोगों के साथ वो कहानियां घटी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका नाम बताकर आपको सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना, और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, और डर को मेरे यानी जय शुक्ला के साथ करीब से देखते हैं। मेरा नाम सुमित जानी है और मैं एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूँ। मैं मथुरा का निवासी हूँ पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूँ। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम हैं, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम विरल लाड़वा है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी, तो विरल बोला कि चल यार दीव घुमाते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारा घूमने का मन था, तो मैंने फौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़कर हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो फौरन वहाँ जाकर फ्रेश हो गए। रात की थकान उतार कर एक आध घंटे में हम समंदर की ओर लटार मारने निकल पड़े। छुट्टियों का सीजन था तो समंदर पर फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेंक रहे थे। मैं और विरल तो यह नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेंक रही एक गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। विरल बोला कि चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं किया, पर मेरा फ्रेंड माना ही नहीं। वह मुझे खींच कर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेनर लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जा, लेकिन विरल तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे हुए उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने विरल को जवाब तो नहीं दिया, पर हंसकर स्माइल देकर वहाँ से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहाँ से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी जहाँ पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं यह बात विरल को बोलूँ इससे पहले विरल मुझे खींचकर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा, और विरल मुझे बोला कि आज तो ये लड़की को पटा कर ही दम लूँगा, तू खाली मेरा साथ देता जा, समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार ही नहीं था, और खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमय फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे चल रही थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। ज़मीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों की छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने विरल को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं यह चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है तब डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा ही नजर आती है। विरल का कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वहाँ फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वह हमें वहाँ बुला रही है। अब विरल तो उसे अपनी रानी बना लेने का फैसला ही कर लिया था, तो ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी।
विरल मेरी ओर देखकर बोला, भाई तू रुक, तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहाँ मेरी सुनने वाला था। वह तो लपक कर उसकी ओर पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं वह फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन को घेरे हुए थे। करीब 15 मिनट हो गए पर वह दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर ही नहीं आए। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं विरल को कुछ उसने कर न दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार चिल्लाया, विरल विरल विरल। कुछ ही देर में वह फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें घूम लाल थी। वह जोरों से हांफ रही थी और गुस्से से मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे। और फिर मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक हकीकत में तब्दील हो गया। उसके दोनों पैरों पर एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह एक चुड़ैल या प्रेत थी। मैंने वही खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज सुनकर वहां 2-3 लोग जमा हो गए और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने पत्थर के पास इशारा किया लेकिन वह भयानक फॉरेनर लड़की का प्रेत तब तक गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया, वहां देखा तो विरल बेहोश पड़ा था। उसे पानी मार कर जगाया तो वह बुरी तरह रोने लगा। फिर मेरी नज़र विरल के पैंट पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे, शायद उस भूतनी ने उसे वहां बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में विरल सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। विरल को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने विरल से पूछा कि क्या हुआ यार, भाभी ने लाड़ प्यार में कहीं गलत जगह तो काट नहीं लिया ना, तेरी लफड़ेबाजी में मैं देवर तो बन गया, अब चाचा बन सकूंगा ना, या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फौज में भर्ती कराने मुझे ही साथ आना पड़ेगा। विरल को हंसाने का यह तरीका भी नाकाम हो गया। वह बस गुमसुम मेरी बात सुनता रहा। घर आते वक्त विरल पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा, लेकिन मुझे पता था कि तब भी वह पूरी तरह से खौफ में था। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में विरल ने और मैंने कभी फिर बात नहीं की। शायद यही एक सही तरीका है ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देने का। सुमित जानी। दोस्तों, पहली कहानी के अंत के साथ अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिस इंसान के साथ वो घटना हुई, अगर उसकी जगह पर आप अपने आप को रख कर देखें तो सच में ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी। मेरा नाम काबिर स्वामी है और मैं हैदराबाद का हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए पैसा जमा कर रहा था, बड़ी मुश्किल से पैसों का जुगाड़ हुआ तो पता चला कि कोर्स की फीस बढ़ गई है। मुझे पता था कि मेरा नसीब थोड़ा खराब है, पर इतना खराब होगा ये उस दिन पता चला था। खैर, ये तो मेरी बैड लक की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ वो भयानक घटना घटी कि मुझे टॉयलेट जाने से नफरत हो गई। उस दिन मेरी माँ ने कहा कि नाश्ता नहीं बनाया है, बाहर बाजार में जाकर कुछ ठूंस लेना।
यानी खा लेना। सर खुजाता हुआ एक बड़ा पाव के ठेले पर नाश्ता करने गया। मैंने एक चाय और बड़ा पाव ऑर्डर किया, स्वाद अच्छा था, दूसरा बड़ा पाव भी खा लिया। फिर मार्केट में मैं घूमने लगा, तभी अचानक मेरे पेट में गड़बड़ हुई। घर तक जा सकूं इतना टाइम नहीं था, तो वहीं पास में एक सुलभ शौचालय में घुस गया। मैं जल्दी से टॉयलेट में जा कर पेट हल्का करने लगा, तभी अचानक मुझे वहां पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। पुरुषों के टॉयलेट में पायल की आवाज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। मैंने चिल्लाकर बोला कि कौन मस्ती कर रहा है, दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा तो बहुत पीटूँगा। कुछ देर वहाँ शांति छा गई। मैं झटपट काम ख़त्म करके टॉयलेट के बाहर आने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने चिल्लाकर सुलभ शौचालय के चौकीदार को अंदर बुलाया। उसने कहा कि दरवाज़ा तो खुला ही है, आप धक्का दो। उस बुड्ढे के आते ही टॉयलेट का दरवाज़ा मक्खन की तरह खुल गया। मैं 5 रुपये देकर वहाँ से बाहर जाने लगा। अभी 2 कदम चला ही था, फिर से मेरे पेट में गड़बड़ उठी, मुझे फिर से उल्टे पाँव। वापस उसी डेंजर टॉयलेट में घुसना पड़ा। अब तो मेरे पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलकर चौकीदार को क्या दूंगा। करीब 2 से 3 मिनट हुए तो फिर से टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। इस बार किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब मेरी तो जोरों से फटने लगी। मैं खड़ा होकर पैंट पहनकर भागना चाहता था, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों के ऊपर कोई बैठ गया है। कुछ देर बाद जोर लगाते हुए मैं खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल के टॉयलेट से बाहर निकला। मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मेन दरवाज़ा लॉक्ड था, यानी बंद था, और मैं उसके अंदर कैद था। ये सब खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैं बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उस जगह का वातावरण बेहद बदबूदार और भयानक हो चुका था। मैं सोच रहा था कि अब वहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तभी अचानक वहाँ बड़ी बड़ी लाल आँखों वाली, खुले बालों वाली भयानक औरत ने आ खड़ी हुई। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं दरवाजे की ओर भागा तो हड़बड़ी में उल्टे मुंह शौचालय के फर्श पर गिर पड़ा। पायल खनकाती हुई वो खतरनाक औरत मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने मान लिया कि आज मेरी मौत इस डायन के हमले से ही होगी। थोड़ी ही देर में वह मेरे पास आकर बैठ गई और जानवरों की तरह मुझे सूंघने लगी, जैसे कि मुझे काट खाने से पहले मेरा जायजा ले रही हो। मुझे मेरी मौत तो साफ दिख रही थी, फिर भी एक आखिरी बार हिम्मत करके चीख मारी और जोर लगा के जमीन से खड़ा हो गया। मैं दीवानों की तरह शौचालय का मेन दरवाज़ा पीटने लगा और कुछ ही देर में वह दरवाज़ा मेरे लातों और घूंसों से टूटकर बाहर की ओर गिर पड़ा और साथ साथ मैं भी बाहर लुढ़क कर गिर पड़ा। जब मेरी नज़र लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह कमीने मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंस रहे थे, और उनमें से एक तो ये भी बोला, दारू पिएला है क्या? पास में खड़ा एक फ्रूट के ठेले वाला मेरे पास आया और बोला कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने उसे कहा कि भाई मैं वहाँ घूमने नहीं गया था, टॉयलेट आया था, मेरा पेट खराब था, वहीं अंदर शौचालय में मुझ पर एक डायन ने हमला किया। मेरी बात सुनकर उसकी भी हंसी निकल आई। उसने बोला कि जरा पीछे मुड़कर भी देख लो। वहाँ मुड़कर मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह पर कोई शौचालय नहीं था,
वहां तो एक टूटा फूटा खंडहर मकान था, वहां कोई चौकीदार भी नहीं था, और मैं उस खंडहर का दरवाजा तोड़कर ही बाहर गिरा था। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मैं एक डायन के हमले का शिकार हुआ था, जिसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर शौचालय का भ्रम पैदा किया और मुझे उस खंडहर के अंदर धोखे से बुलाया। ऊपर वाले की रहमत से मैं उस डायन के इलाके से जिंदा वापस आ गया और उसके ठिकाने पर संडास भी कराया। मैं जानता हूं कि कई लोग मेरी इस घटना के बारे में जानकर मेरी हंसी उड़ाएंगे, पर जब मौत सामने आती है तब इंसान की हालत क्या हो जाती है वह सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने भूत प्रेत या चुड़ैल का सामना किया हो। कबीर स्वामी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस ये दो कहानियां थीं और ये कहानियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। आप और दिल दहला देने वाली कहानियां हमारे चैनल पर सुन सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम एक नए एपिसोड में मिलते हैं एक नई सच्ची दिल दहला देने वाली घटना के साथ। और कुछ लोगों को एक चीज़ मैं आज इस पे शायद मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप किसी दूसरे चैनल की कॉपी करते हो। कहानियाँ हम किसी से सुनते हैं या कोई हमें सुनाता है, कोई भी कहानी किसी व्यक्ति के साथ होती है और वो व्यक्ति वो कहानी किसी वेबसाइट पर या कहीं पे भी लोगों तक पहुंचाने के लिए पब्लिश करवाता है। वो कहानी कोई और चैनल अपने YouTube चैनल पर हमसे पहले अपलोड कर देता है। हम आपको रियल हॉरर स्टोरीज बताते हैं। वो कहानी जब हमें रियल लगती है तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी उस कहानी को जान सकें। अगर आप उन कहानियों को जानते हैं, अच्छी बात है, आपने कहीं और देखा हुआ है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हमने कभी आपसे वीडियो में नहीं बोला होगा कि आप हमारी कहानी अगर सुन भी चुके हैं तो वीडियो एंड तक देखिए, हमने कभी नहीं बोला है ये बात। तो कहानी हम किसी से सुनते हैं या कोई हमें सुनाता है। कई कहानियां कई लोगों के साथ होती हैं और उन कहानियों को वो किसी वेबसाइट पर पब्लिश करवाते हैं। जब वो हमें मिलती हैं तो हम आपको वो कहानियां सुनाते हैं। ऐसे लोगों की कमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कहने का मतलब ये है कि वो खुद अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और आगे आने वाले जो लोग हैं जो कमेंट करते हैं उनको भी दिक्कत होती है ऐसे लोगों से। सोशल मीडिया का अगर उपयोग किया जाए तो काफी अच्छी चीज है और अगर गलत तरीके से किया जाए तो काफी गलत चीज है। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हमारे इस वीडियो में किसी की गलत कमेंट नहीं आएगी और जो करेगा तो उससे हमने पहले बताया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको रिपोर्ट करेंगे या उस कमेंट को रिमूव कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो समझदार हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जो समझदार कुछ समझदार लोग भी कहते हैं कि भाई आपने इनकी कॉपी की है, तो उनके लिए हम ये बात बता रहे हैं कि जो रियल हॉरर स्टोरीज हैं वो कोई चैनल पब्लिश करता है या कोई वेबसाइट पब्लिश करती है और हमें भी लगता है कि नहीं ये रियल हॉरर स्टोरी है, तो हम चाहते हैं कि वो हम भी आप तक पहुंचाएं। उसमें हर व्यक्ति कमेंट नहीं करता है क्योंकि हर आदमी तो नहीं सुन चुका है ना कि वो कहानी किसके साथ हुई। वो कहानी जो सुन चुका है अच्छी बात है, और जो नहीं सुना है, जिसने वो कहानी अभी तक नहीं जानता है उस घटना के बारे में, हम चाहते हैं कि हम उसे वो घटना बताएं। तो जो समझदार होगा वो हमारी बात समझ गया होगा और जो ना समझ है, बाकी मैं कोई लैंग्वेज गलत नहीं करना चाहूँगा, वो अपना काम करता रहे। उम्मीद करते हैं सही समझदार लोग अब दोबारा कमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर।